हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सालनी और आपके घर घर का खाना में स्वागत है। ये मैंने मैक्रोनी ले लिया। आज मैं आपको नए तरीके से मैक्रोनी बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने एक कढ़ाई में पानी लगा लिया है और इसमें मैं थोड़ा पानी गर्म होने पर ही मैक्रोनी डालूंगी। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। इससे हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह उबल जाएगी और चिपकेगी बिल्कुल नहीं। इस तरह से आप मैक्रोनी ज़रूर बना कर देखें। अब मैं इसमें पानी मेरा हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसे मैं उबाल लूँगी और इसे डालकर ज़रूर चलाएं, नहीं मैक्रोनी हमारी नीचे लग जाती है बहुत जल्दी। और मैं इसे लगातार चलाकर अब ढककर रख दूँगी। इस तरह हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह उबल जाएगी। देखो मेरी मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह उबल गई है। और इसे बात का ध्यान रखें, बाहरी कढ़ाई तवे की बाहरी तरह की कढ़ाई लें। ये देखो कितनी अच्छी तरह उबल गई। अब मैं इसे एक छलनी में छान लूँगी। छान कर अब इस पर मैं ठंडा पानी डालूँगी। इससे हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह एकदम खिली खिली उबल जाएगी, सॉरी तैयार हो जाएगी। ठंडे पानी से ही हमारी एकदम मैक्रोनी, इसमें जो चिपचिपापन है वो भी निकल जाएगा और एकदम खिली खिली बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने ठंडे पानी से डाल धो ली है। अब इधर मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिए। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लगाया है। ये मैंने प्याज, टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां और 2-3 हरी मिर्च ली हैं। पहले मैं लहसुन को भूंज लूँगी, इसे हल्का सा ही भूंजूँगी, बस कच्चापन निकालना है हमें। और 1 चम्मच मैंने जीरा लगा लिया है। लहसुन का थोड़ा कच्चापन निकाल कर ही मैं और आगे डालूँगी। अब मैंने ये प्याज डाल लिया है, इसे भी हल्का सा ही भूंजूंगी, गोल्डन, हल्का गोल्डन भूनकर तैयार करूंगी। इस तरह से आप मैक्रोनी ज़रूर बनाकर देखें। आपकी मैक्रोनी वाकई में इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी, बाज़ार से भी अच्छी हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे मैं हल्का सा इस तरह लगातार आप चलाते रहें और गैस आप मीडियम कर लें। मीडियम गैस पर ही प्याज हमारा भुन गया। मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च लिए हैं वो भी इसमें डाल दूंगी। इसे भी मैं हल्का सा ही भूंजूंगी, बस इसका कच्चापन निकालना है। इस तरह के हमें भूंज कर तैयार करने हैं ये सारे मसाले। अगर आप उसमें सब्जी डालना चाहते हो सब्जी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च है, बीन्स है, ये भी आप डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला, सिंपल मैक्रोनी बनाकर तैयार करिए। और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, इसे भी हमें बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। अब हल्का सा नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हमने पहले भी पानी में डाला था उबालते टाइम। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें मैं आधी मैक्रोनी हमने ये छोड़ दी है, आधी मैंने बचा लिया, आधी मैंने इसमें छोड़ दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी और खूब चटका लूँगी। आधी मैक्रोनी मैंने कलरफुल बनाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर मैं डाल दी थी, इससे हमारी ये मैक्रोनी कलर की हो गई है। इस तरह से आप बनाकर देखें, बहुत अच्छी आपकी मैक्रोनी बनकर तैयार होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं 2 चम्मच सेजवान सॉस लगाऊंगी। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं सेजवान सॉस, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटो केचप डालूंगी 2 चम्मच, इससे भी बहुत अच्छा हमें फ्लेवर मिलेगा। अब थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली सॉस डालूंगी, इससे हमें खट्टापन और थोड़ा चटपटा हमारा बनकर तैयार हो जाएगी। चटपटी और मीठी हमें दोनों ही तरह फ्लेवर में तैयार करनी है। अब मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला, इससे हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें मैक्रोनी में। आप इसी तरह से बना कर देखें। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप इसमें टमाटर का सॉरी मैं नींबू का जूस भी आप डाल सकते हैं।
ये मैक्रोनी मेरी बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार हो रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं लगातार मैं चटकाती रहूँगी इसी को, और अब थोड़ी धनिया पत्ती से डालूँगी। इससे देखो मेरी मैक्रोनी कितनी अच्छी तरह बनकर तैयार हो गई है। इस तरह आप मैक्रोनी ज़रूर बना कर देखें, आपकी मैक्रोनी मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार होगी। और अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। बस आज